पाल देख रहे हो? ऐसी शराफत तुमने इस चैनल पर लक्ष्य भाई से तो नहीं देखी होगी, बट आज देख लो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मॉइस्चराइजर्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड विंटर स्किन केयर, भाई जब ये वर्ड आता है ना दिमाग में, तब समझ लो कि हमारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इतनी सारी आ जाती हैं कि उनको हैंडल करना ज़रूरी है टाइम टू टाइम, वरना मैं जो नहीं चाहता वो होगा जो कि है आप लोगों की स्किन खराब। बट आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ मॉइस्चराइजर्स के बारे में जो मेरी टॉप 5 की लिस्ट में है। मैं पूरा खुली उनको रेकमेंड करता हूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, एंड मैं चाहता हूँ कि आप धड़ल्ले से उनको यूज़ करो, अच्छे से यूज़ करो, बेझिझक होकर यूज़ करो। एंड वीडियो स्टार्ट होने से मैं पहले ही बता दूँ कि इनको मैं इस बात को मतलब मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि सारे केमिकल्स ख़राब नहीं होते। तो वो लोग जिनको केमिकल्स की नॉलेज नहीं है या सोचते हैं कि वही डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या वही मतलब निर्माता है, मैन्युफैक्चरर हैं हर एक केमिकल के, प्लीज़ कमेंट ना करना, क्योंकि ये मेरे पर्सनल यूजेज के हिसाब से है एंड जो मेरे आसपास लोग हैं उनकी पर्सनल यूजेज के हिसाब से ये लिस्ट बनी है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगे। हेलो दोस्तों, इसमें लक्ष्य वंस अगेन एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि मेरी लिस्ट के हिसाब से ये जो टॉप 5 है ये ना तो हार्मफुल है, ना इनमें ऐसे केमिकल्स डले हैं जो आपकी स्किन को बर्न करेंगे, इन्फ्लेमेट करेंगे या कुछ भी करेंगे, एंड सबसे अच्छी बात ये अच्छे से काम करते हैं, इफेक्टिव रिजल्ट्स दिखाते हैं, तभी ये लिस्ट में आए। तो सबसे पहला जो मेरी लिस्ट में है वो होने वाला है फाई का इन द क्लियर मॉइस्चराइजर। आई थिंक ये आप मुझसे बहुत बार पहले भी सुन चुके हो, बट फाई का जो मॉइस्चराइजर है वाटर बेस्ड है। सबसे अच्छी बात जो मुझे इसकी लगती है, अगर आपकी एक्ने स्किन है या फिर अगर आपकी ऑयली स्किन है, ये उसको कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है आपकी। बहुत ज़्यादा स्मूथ फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़्यादा अच्छी आपको क्वालिटी मिलती है, इंग्रेडिएंट्स भी इसके अच्छे हैं, एंड एक तरह से वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइजर्स दैट आई हैव एवर यूज्ड फॉर मेंस स्किन स्पेसिफिकली। अब कर लेते हैं थोड़ी प्राइस की बात। तो आपको ये 75 ml की बॉटल देखने को मिलती है जो कि पंप में आती है, एंड आपको अराउंड ये मिल जाएगी अमेजोन पे 370 rupees की। मानता हूँ कुछ लोगों को प्राइस ही लग सकती है क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, बट पंप के पैसे हैं, फ्रेग्रेंस के पैसे हैं, एंड जब से मैंने अपना खुद का ये करना काम स्टार्ट किया है तो मुझे पता चलता है कि कहाँ कहाँ पैसा लगता है और जो सस्ते में बेच रहे हैं प्रोडक्ट उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, जो कि खैर किसी और दिन हम बात करेंगे। बट आज की वीडियो में जो हमने बात करी है वो है फर्स्ट फाई इन द क्लियर सुपर लाइट मॉइस्चराइजर। सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चेकआउट करना चाहते हो, वहां से खरीदना चाहते हो, बेझिझक जाके खरीद सकते हो। सेकंड जो मॉइस्चराइजर है इसकी, भाई पैकेजिंग जितनी भी लिस्ट में प्रोडक्ट्स है ना उन सबसे अच्छी है, क्योंकि देखो एक तरह से ये ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रीमियम रेंज में आ जाता है, एंड उसकी प्राइस की बात अभी हम करते हैं थोड़ी देर में, बट उसके पहले आप जान लो कि प्रोडक्ट एक्चुअली में है क्या। तो वो होने वाला है वाओ का विटामिन सी फेस क्रीम। इसकी पैकेजिंग वन इन अ क्लास है, ऑब्वियसली ऑसम प्रोडक्ट है एंड नॉन ग्रीसी प्रोडक्ट है, जो कि ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है ज़्यादातर जो लोग होते हैं। बस एक बात जो मुझे अच्छी नहीं लगती पर्सनली इस प्रोडक्ट की, और जो मैं बिल्कुल सामने खुले में बोल देता हूँ, चाहे वो वाओ ने ही स्पॉन्सर क्यों ना करी हो वीडियो, मैं बोल के रखता हूँ भाई, उसमें है कि इसमें ना जो इसकी फ्रेगरेंस है वो मुझे इतनी खास लगी नहीं। इसकी जो फ्रेगरेंस है ऐसा लगता है कि थोड़े सड़े हुए ऑरेंजेस है ना वो डाल दिए हैं इसके अंदर, तो मुझको कुछ खास जमती नहीं। बट हाँ, अगर आपको फ्रेगरेंस नहीं पसंद, आप चाहते हो कि हाँ ट्राई कर लेंगे बिना फ्रेगरेंस के, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत एज सच आने नहीं वाली, क्योंकि मैंने अपने जितने भी आसपास के लोगों को सुंघाया है उनको भी ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो 515 rupees का आपको 50 ml मिलता है। देखो क्वांटिटी 5 lives से भी कम है, उसके 75 थी, 25 ml ज़्यादा था उसमें, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ 50 ml इसलिए है क्योंकि इसकी पैकेजिंग के पैसे हैं। इसकी जो पैकेजिंग है ना वो एयरटाइट कंटेनर में आती है ताकि जो अंदर की क्रीम है वो कंटेमिनेट ना हो। वैसे भी वो कंटेमिनेट इतनी ईजिली होती नहीं है क्रीम्स, बट इन्होंने थोड़ा और उसको एक अलग लेवल पर बेचने की कोशिश करी है, विच इज़ लाइक रियली गुड, एंड आई लाइक लव वाओ की पैकेजिंग सो मच। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट्स में कभी उस तरीके की लेवल की पैकेजिंग हो, बट बहुत बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट है वो खैर बात की बात है। एंड सबसे अच्छी बात इंग्रेडिएंट्स की हम कर लें तो इसमें हैलुरोनिक एसिड है एंड विटामिन सी तो है ही है, जो कि आपके फेस को चाहिए, एक तरह से नेसेसिटी है। ये केमिकल एक्सफोलिएशन में आपकी स्किन को काम करने में मजबूर करता है एंड आपकी जितनी भी डेड स्किन होती है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। अब आप एक ऐसा मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो जो कि वाटर बेस्ड हो, बिल्कुल भी फेस पे ऑयली ना लगे एंड सुपर एब्जॉर्बेंट हो, भाई मतलब लगाते ही बंदे को लगना चाहिए कि यार कोई मॉइस्चराइजर लगाया है जो कि टपक नहीं रहा तेल की तरह। तो
तुम्हारे भाई ने अभी लॉन्च किया है लियोकोर का हाइड्रोजेल, जो कि एक वाटरमेलन जेल है। एंड इसमें आपको देखने को मिलेगा एलोवेरा एक्सट्रैक्ट 40%, मतलब 40% एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, बाकी जितना भी है वो वाटरमेलन जेल है। एंड साथ ही साथ आपको हनी एक्सट्रैक्ट देखने को मिलता है। एंड अगर आपकी थोड़ी सी भी स्किन एक्ने प्रोन है तब भी आप इस प्रोडक्ट को बेझिझक यूज कर सकते हो, क्योंकि ये उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। इट कंटेन्स सैलिसिलिक एसिड सिर्फ और सिर्फ 1%। तो अगर आपकी हमेशा एक्ने प्रोन स्किन रहती है, इस मॉइस्चराइजर को यूज करके देखो, यू विल फील सो गुड। एंड सैलिसिलिक एसिड की एक और अच्छी बात होती है कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो आपकी अगर स्किन हल्की सी भी इन्फ्लेमेशन को प्रोन है या फिर मतलब ब्रेकआउट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो यू कैन ट्राई दिस आउट। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सबसे पहला लिंक जो होगा वहाँ पे जाके आप इसको खरीद सकते हो, तो चेक इट आउट। एंड प्राइस की भाई बात कर लेते हैं, तो आ रहा हूँ आपके पास। अगर आप मेरी स्टोरीज को रेगुलरली फॉलो करते हो और अगर आप रील्स को मेरी फॉलो करते हो मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे lakshya_thakur जो है, तो आपको वहाँ पे पता चलेगा मैंने स्टोरीज में कहा था कि अमेजोन के साथ कुछ पंगा हो गया था। वो सोच रहे थे कि इसमें सैलिसिलिक एसिड मैंने भाई भर के डाल दिया, जो कि अलाउड नहीं है। ऑल दो सिर्फ और सिर्फ 1% डाला हुआ है, उनसे मेरी बातचीत चल रही है। अमेजोन पे फिलहाल ये अवेलेबल नहीं है, बट फ्लिपकार्ट से आप इसको आराम से मंगवा सकते हो। 299 rupees का आपको यहाँ पे गुड अमाउंट ऑफ 200 ml मिल रहा है, तो आप इसको 1 से 2 महीने बेझिझक रोज यूज करो, शाम हो सुबह लगाओ, मतलब ऑब्वियसली स्किन केयर मतलब मॉर्निंग एंड नाइट पे लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यू कैन डेफिनेटली यूज दिस, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अगेन पिन कर दूंगा। अब भैया चलते हैं थोड़े बजट सेगमेंट की तरफ। जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम कम पैसा खर्च करना चाहते हैं, हमें ना बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना इन सारी चीजों में, तो आपके लिए प्रोडक्ट्स हैं, बट उसके साथ साथ कुछ कुछ चीजें जो मैं बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। देखो मेरा यहाँ पे ये काम नहीं है कि मैंने सस्ते प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिया और अपने भाई बंदों को भूल गया, नहीं भाई, ख्याल रखना जरूरी है ना, अपना कनेक्शन बढ़ाना जरूरी है ना। तो फोर्थ जो मेरी लिस्ट में है वो होने वाला है पॉन्ड्स मैन का एनर्जी बर्स्ट। एंड अगर आप बहुत पुराने अगर चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि इसको हमने एक बार प्रमोट किया था। इसके जो केमिकल्स हैं वो ठीक है, मतलब नॉट द बेस्ट बट ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि एक ऐसा फेस जेल हो जो बस काम कर जाए, तो मेरे हिसाब से ये वाला भी आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसको 55 ग्राम आपको अराउंड 100 या 150 रुपए के बीच में आपको घर पे डिलीवर मिल जाएगा, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दिस कैन बी योर गो टू विदाउट एनी डाउट्स। एंड दूसरी सबसे अच्छी बात इसकी एक और है कि आपको ना ये सोचना नहीं पड़ता कि इसके बाद आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत है या नहीं, क्योंकि दिस वर्क्स एज अ टोनर एंड अ मॉइस्चराइजर एज वेल। काफ़ी अच्छी डिब्बी है इसकी, काफ़ी बढ़िया डिब्बी है इसकी, तो इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट अगेन, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ, एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक बार ना आप सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को गो थ्रू कर लेना, और अगर कभी पहले कोई प्रॉब्लम हुई हो किसी स्किन केयर प्रोडक्ट को यूज़ करते हो और वो सेम इंग्रेडिएंट इसमें देखने को मिल जाए, तो इसको यूज़ मत करना मेरे भाई। थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगा के अपनी स्किन बचा लो, क्योंकि हेल्थ, स्किन, हेयर केयर ये सारी की सारी वेल्थ है। पैसा उसमें अभी लगा लो, 100-150 रुपये ऊपर भी कुछ प्रोडक्ट मिलता है, तो आई डोंट थिंक ये बुरी इन्वेस्टमेंट है। आपकी स्किन हेल्थ की बहुत ज़रूरी बात है। मैं चाहता हूँ जितने भी अपने गबरूज हैं सबकी ऐसी चमकती दमकती हेल्दी स्किन हो ना कि मज़ा आ जाए। अब लास्ट मेरी जो लिस्ट में है ना, इसको भी मैं पहले दिखा चुका हूँ इस चैनल पे, विच इज़ लॉरियल का माइक्रो एसेंस। अब देखो ये 5 प्रोडक्ट्स बताते, कन्फ्यूज मत होने लग जाना कि यार इतने सारे प्रोडक्ट बताते हम कौन सा यूज़ करें। तो जिस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो जो लॉरियल का माइक्रो एसेंस है ना, ये टोनर भी है एंड अगेन ये मॉइस्चराइजर भी है। इसके बाद वैसे मुझे पर्सनली ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है जहाँ पे ड्राइनेस होती है वहाँ पे मुझे मॉइस्चराइजर लगाना ही पड़ता है, क्योंकि ये एक तरह से अच्छे तरीके से टोन कर सकता है स्किन को, बट इतना मेरे लिए मॉइस्चराइज नहीं करता। बट आप बिल्कुल ही पानी की तरह एक ऐसा बिल्कुल सिल्की टाइप का कोई मॉइस्चराइजर देख रहे हो, देखना चाहते हो, माइक्रो एसेंस लॉरियल की आपके लिए बेस्ट होने वाली है। अराउंड 240 rupees का आपको ये पॉकेट साइज में मिल जाएगा, मुझे एग्जैक्टली ml याद नहीं है, मैं अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो 500 rupees के अंदर अंदर अगर 15 rupees और एक्स्ट्रा ऐड कर लो वाओ वाले। तो मैंने आपको ये सारे बता दिए प्रोडक्ट्स जो मेरे हिसाब से बेस्ट है अगर आप एक मॉइस्चराइजर लेना चाहते हो, खास करके विंटर्स के लिए। समर्स के लिए अलग होंगे, वो हम बाद में बनाएंगे वीडियो एक, बट फिलहाल दिस needs your attention, क्योंकि मॉइस्चराइजेशन बहुत जरूरी है। तो ये थी आज की वीडियो एंड ये थे मेरे 5 टॉप मॉइस्चराइजर जो आप लोग यूज कर सकते हो विदाउट एनी डाउट्स। एंड आप लोगों से मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले ना अभी के अभी वीडियो को लाइक करो भाई, देखो हमें हौसला मिलता है भाई जब जैसे वीडियो लाइक हो जाती है। तो छोटा अमाउंट 10,000 likes हम एम कर लेते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे जो आप टॉपिक बोलते हो कॉमेंट करके बता दो, क्योंकि देखना तो आप नहीं है, अल्टीमेटली हम वही बनाना चाहते हैं जो आप देखना चाहते हो। तो कमेंट करके ज़रूर बताना,
कुछ भी जो आप कंटेंट देखना चाहते हो उस हिसाब का बन जाएगा। एंड हाँ, मेरे पास एक और आइडिया है कि अगर आपके पास एक आइडिया है ना जो बिल्कुल अलग हटके है और आप चाहते हो कि यार तुम बनाओ इसको, ये चीज़ करो, हम बनाएंगे, मज़े आप करना, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना, तभी हमें पता चलेगा। अब आप लोगों से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, अर्बन गबरू आउट।